सृष्टि का पहला पहला मनुष्य जो भगवान के आने पर पहले पहले नर से नारायण बनता है, बाकी नंबरवार नारायण बनते हैं। नंबरवार का मतलब यथा राजा तथा प्रजा नारायण जैसे बनते हैं। नारायण का मतलब ये है नार अयन, नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर, जिसका घर ही ज्ञान जल में है वो पृथ्वी का वासी होकर नहीं रहता। मन बुद्धि कहाँ रहती है? ज्ञान जल में रहती है, जो संपूर्ण रूप विष्णु को दिखाया जाता है, क्षीर सागर में दिखाया हुआ है। ऐसे ही उसके जो फॉलोअर्स हैं, प्रजा है, वो भी पहली पीढ़ी की इस सृष्टि की प्रजा पूर्ण ज्ञान में मजबूत होती है और धर्मावलंबियों के मुकाबले। उनको ज्ञान में कोई मात नहीं दे सकता। ऐसी प्रजा नारायण समान होने के कारण यथा राजा तथा प्रजा कही जाती है। तो देखो वो शंकर नाम का पार्टधारी ही एक ऐसा पार्टधारी है इस सृष्टि पर जो साबित करता है कि भगवान का जो गीता में महावाक्य है सर्वधर्मान परित्यज्य। अब सोचने की बात है, सब धर्मों को छोड़ दे। सब धर्म द्वापर युग में होते हैं या कलयुग में होते हैं? कलयुग में होते हैं। तो कलयुग में जो अनेकानेक धर्म हो जाते हैं उनके प्रणेता धर्म पिताएं भी हुए हैं, तो सब धर्मों को छोड़ेगा तो धर्म पिताओं को गोली नहीं मारेगा, धर्म पिताओं को भी गोली मार देता है। इसलिए बाप कहते हैं इन देहधारी धर्मगुरुओं को मारो गोली, इनकी कोई बात नहीं सुनना है। माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक शरण में आ जा तो क्या होगा? गीता में जैसे कहा है जो भगवान की शरण लेते हैं वो भगवान से ऊंचे से ऊंची प्राप्ति करते हैं, और जो देवताओं की शरण लेते हैं वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं कि नहीं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों से अल्पकाल की प्राप्ति करते हैं। तो देखो भगवान तो जितनी प्राप्ति कराता है, कैसी प्राप्ति कराता है? है? अरे प्राप्ति कराने वाला भगवान क्या है? पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् यदुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो भगवान पूर्ण है, उस पूर्ण में से पूरा ही निकाल लिया जाए तो भी क्या बचेगा? पूर्ण ही बचता है। क्या पूर्ण है? वो ज्ञान का और योग का ऐसा खूट भंडार है जो इस सृष्टि पर पतित दुनिया में आने के बावजूद भी, पतिततम कामी कांटे मनुष्य में आने के बावजूद भी कभी खूटता नहीं है। चाहे कितनी भी आत्माएं दृष्टि से दृष्टि को आकर्षित करके दृष्टि की ताकत को खींच लें तो भी वो ताकत कभी खत्म नहीं हो सकती।
दृष्टि से भी वो ताकत खत्म नहीं होती, जब ज्ञान इंद्रियों से भी वो ताकत नहीं खत्म होती, ज्ञान इंद्रियों का संग का रंग लगने से भी वो शक्ति छीण नहीं होती, तो कर्म इंद्रियों से छीण होगी क्या? नहीं, वो कर्म इंद्रियों के द्वारा भी जिन आत्माओं के साथ संसर्ग संपर्क में आता है, संबंध में आता है, कितना भी आत्माओं के संसर्ग संबंध में आए तो भी उसकी शक्ति छीण होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान बाप इशारा देते हैं, तुम सब जन्म जन्मांतर की तुम, वो नहीं वो नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं, तुम सब पार्वतियां हो। क्या हो? पार लगाने वाली हो संसार को। तुम सब बीज रूप आत्माएं हो, सारी दुनिया के सारे ही धर्मों की बीज हो। तुम्हारे द्वारा इस सारी सृष्टि की आत्माओं का उद्धार होना है, इसलिए तुम सब पार्वतियां हो। क्यों? हम लोगों में तो बहुत से पुरुष रूप में बैठे हुए हैं, पार्वती तो स्त्री थी। अरे भगवान आत्मा के रूप में देखता है या स्त्री पुरुष के रूप को देखता है? आत्मा को देखता है, वो जानता है ये पुरुष रूप में बैठे हुए भी आधे जन्मों में, द्वापर युग में क्या होता है, कलयुग में आधे जन्मों में स्त्री और आधे जन्मों में पुरुष बनते हैं। कोई कोई ज्यादा जन्म भी पुरुष के ले सकते हैं, जो भगवान के जास्ती नजदीक होते हैं, जास्ती संघ का रंग लेते हैं, तो संघ का रंग लेते लेते उनमें पुरुषों में जो शक्ति होती है, इंद्रियों में, दृष्टि में, वाचा में, वो शक्ति उन आत्माओं में भी आती है। इसलिए वो आत्माएं रुद्रगणों के रूप में पूजी जाती हैं। क्या? रुद्राक्ष के रूप में। क्या नाम दिया? रुद्र अक्ष, अक्ष माने आंखें। उन रुद्र की आंखों से भगवान सारी सृष्टि को देखता है। ये बाप कहते हैं, मैं इन आंखों का लोन लेकर के आया हुआ हूं। सबको देखता हूं। गीता में भी विद्वानों ने लिख तो दिया ही है, सत्व प्रधान युग की लिखी हुई गीता है। द्वापर के आदि में द्वापर सत्व प्रधान था या तमो प्रधान? हैं? सत्व प्रधान। और उस समय गीता ही पहला शास्त्र है जिसमें लिखा है क्या, कि जो भी सत्व प्रधान है वो ही सच्चा है। व्यास प्रसादात, व्यास के प्रसाद से वो गीता आई, गीता में ही लिखा हुआ है। तो वो व्यास वाली आत्मा जिसने गीता में दुनिया की सबसे जास्ती सच्चाई भर दी, भगवान तो नहीं थी ना, देवता थी। दाढ़ी मूछ वाले को देवता कहा जाता है, देवता भी नहीं थी, मनुष्य थी ना, वो मनुष्य आत्मा भी इतनी श्रेष्ठ थी कि दुनिया में जितने भी शास्त्र लिखे गए उन शास्त्रों में सर्वाधिक सच्चाई उस गीता में लिख दी। और लिखना करना, पढ़ना सुनना, ये मनुष्यों का काम होता है या भगवान का काम होता है? हैं? मनुष्यों का काम। जो मनुष्य हैं वो द्वैतवादी युग से मनुष्य कहे जाते हैं, जो सतयुग त्रेता में देवताएं थे वो मनुष्य है।
मनन चिंतन मंथन वाले मन के प्रधान मन होता है उनमें, इंद्रियों में। इंद्रियां प्रबल हैं, लेकिन उन प्रबल इंद्रियों को भी कंट्रोल करने वाला ग्यारहवां जो इंद्रिय है वो मन है, और मननात मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य होने के कारण उन मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन साबित हुआ है? व्यास साबित हुआ। तो समझ लेना चाहिए कि भगवान बाप कहते हैं, और दुनिया में भी भारत में जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं ये मानते हैं कि दुनिया में एक ही व्यक्तित्व है जो कभी मरता नहीं है, जो कभी जन्म नहीं लेता है। बेहद की बात है, निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता है। वो कौन है? शंकर है। शिव तो बिंदु आत्मा का नाम है, शंकर है। तो वो शंकर है जिसके लिए भगवान बाप भी कहते हैं कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा कायम एक ही शिव बाबा है। शिव माने ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा माने साकार का मेल। तो वो साकार का मेल जिस साकार नामधारी को शिव के साथ जोड़ा जाता है, वो ही शंकर वाली आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो है। और हीरो एक ही सीन में पार्ट बजाता है या तीन चार सीन में लगातार पार्ट बजाता है? 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 हर सीन में पार्ट बजाता है। शिव को हीरो नहीं करेंगे, कहेंगे प्रैक्टिकल में क्या उसकी गिनती किसी के साथ नहीं की जा सकती। वो गिनती में आवे तो फिर इस चक्कर में भी आना पड़े, 84 के चक्कर में। वो चक्कर में भी नहीं आता और गिनती में भी नहीं आता। तो 500 करोड़ की गिनती में कहो, 450 करोड़ की गिनती में कहो, ब्रह्मा की भुजाओं की गिनती में कहो, 108 की गिनती में कहो, 8 की गिनती में कहो, 16,000 राजघराने में आने वाली आत्माओं की गिनती में कहो, कौन गया जाता है? है? एक ही है जिसके लिए कहते हैं राम राजा, राम प्रजा, राम साहू का। वो हर प्रकार के सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाता है। सबका बीज है ना, राजाओं का भी बीज नहीं है वो? जो बड़े बड़े राज्य अधिकारी हुए हैं राज्यों में, उनका भी बीज है, प्रजा का भी बीज है। और प्रजा में बनने वाले जो दास दासी हैं उनका भी बीज है, और प्रजा में जो चांडाल का पद पाने वाले हैं उनका भी बीज कौन है? है? वो ही एक बीज है। अच्छे से अच्छे दुनिया में जो भी हैं पार्टधारी, उन सब का बीज है, और बुरे से बुरे पार्ट बजाने वालों का भी बीज वही एक है, जिसका गीता में वर्णन है। ये सृष्टि एक अश्वत्थ वृक्ष है, उल्टा लटका हुआ वृक्ष। इसमें सबसे ऊपर जड़ें हैं और उन जड़ों को जन्म देने वाला बीज है जो सदैव गुप्त रहता है। सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक वो मनुष्यों के बीच में प्रत्यक्ष होता है, है? नहीं प्रत्यक्ष होता है। वो प्रैक्टिकल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला
मुख्य एक्टर भी है, प्रीसेक्टर भी है और पर्दे के पीछे रहने वाला डायरेक्टर भी है। और बनाने वाला कौन है? उसे बनाने वाला आत्माओं का बाप है। तो देखो, जो नई दुनिया बन रही है उस दुनिया में वो बड़े से बड़ा वो पार्ट बजाता है जो कोई धर्म पिता नहीं बजा सकता। कौन सा पार्ट? अपने अपने धर्मों की स्थापना तो करते हैं लेकिन अपने धर्म की राजाई स्थापन नहीं करते। कोई भी पुराने धर्मों का विनाश भी नहीं कर सकते। पुराने धर्म भी चलते रहते हैं, पुराने धर्म के आचार भी चलते रहते हैं। उन पुराने पुराने धर्माचार्यों से टक्कर लेने की उन धर्म पिताओं की हिम्मत ही नहीं। उस दुनिया के जो पुराने पुराने धर्म हैं, दसों धर्म मुख्य मुख्य, उन दसों धर्मों का जो बीज है वो मनुष्य सृष्टि का पिता है। उसमें इतनी ताकत है, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय या दुष्कृताम, दुष्ट कर्म करने वाले सब धर्मों का विनाश कर देता है। धर्म पिताओं के पद का भी विनाश कर देता है। किस आधार पर करता है? पवित्रता से होती है स्थापना। दुनिया के जितने भी अच्छे अच्छे कार्य हैं वो कैसे होते हैं? प्योरिटी की पावर से होते हैं। पवित्रता से होती है स्थापना और अपवित्रता से होता है विनाश। क्या विनाश कैसे होता है? अपवित्रता से होता है विनाश। अपवित्रता अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार अर्थात पराई स्त्री और परपुरुष का सेवन ही विष कहा जाता है। जो शास्त्रों में शंकर के लिए दिखाया है कि जब सागर मंथन हुआ तो क्या निकला? पहले पहले हलाहल विष निकला। उस व्यभिचार रूपी विष को कोई नहीं पी सका, न देवताएं, न मनुष्य आत्माएं, न राक्षसी आत्माएं। तब जिम्मा किसने लिया? सारे विष को पचाने का, हलाल विष को समाप्त करने का जो जिम्मा लिया वो सिर्फ एक ही आत्मा है, शंकर, जिसके लिए गाया जाता है। क्या? शंकर द्वारा विनाश। किसका? एक का, दो का, चार का? नहीं, सारी मनुष्य सृष्टि में विनाश। विनाश आए चाहे दुष्कृताम, दुष्ट धर्मों का भी विनाश, जो दैहिक धर्म है उन सब का विनाश। ब्रह्मा भी देह अभिमानी है, उसके फॉलोअर्स भी देह अभिमानी है, उनका भी विनाश होता है या नहीं होता है? या तो वो ब्राह्मण सूर्यवंशी बन जाए लक्ष्मी की तरह, लक्ष्मी चंद्रवंश से आती है, चंद्रवंश से आने वाली चंद्रवंशी हुई ना, लेकिन वो सूर्यवंशी बन जाती है। कैसे? जो भारत में परंपरा है, क्या कन्या अपने माता पिता का कुल छोड़ करके पति के कुल में जाती है तो उसी कुल की कही जाती है या माता पिता का कुल चलता है? पति का कुल चलता है। तो उन चंद्रवंशी ब्राह्मणों में से भी जो चंद्रवंशी ब्राह्मण 10% से ज्यादा नहीं है ब्राह्मणों के बीच में,
और बाबा उनकी पहचान बताते हैं। चंद्रवंशियों की पहचान है सहन शक्ति, ठंडे दिमाग वाले। 80% हुए दूसरे धर्म की बीज रूपात्मा है ब्राह्मणों में, और वो 80% जो बीज रूप हैं, वो और धर्मों को सपोर्ट करते हैं, और धर्म वंशों की जड़ें जमाने में सहयोग देते हैं। वो बीज रूप आत्माएं अभी भी एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में बैठी हुई है। उनकी पहचान है क्या? पांडव हैं या कौरवों के बीज हैं? है यादवों के बीज हैं? पांडवों के बीज, यादवों के बीज या कौरवों के बीज? किसके बीज हैं? उनकी पहचान बताई। पांडव जो हैं बल मुट्ठी भर हैं, लेकिन उनकी पहचान है वो भाई आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं। और यहां ब्राह्मणों की दुनिया में देखो क्या देखने में आ रहा है, हैं? ये जन्म जन्मांतर के कलयुगी राजाएं हैं तो बाप को पहचानने वाले बच्चे, लेकिन इन कलयुगी राजाओं ने हिस्ट्री के अनुसार आपस में लड़ लड़ करके भारत को कमजोर किया या पावरफुल बनाया है? भारत को कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया कि विदेशी आत्माएं, जो आत्माएं भगवान बाप से पूरा वर्षा लेती भी नहीं, ज्ञान सुनती भी नहीं, योग की ताकत खींचती भी नहीं, वो कमजोर आत्माएं भी इस भारत के ऊपर आक्रमण करके इन भारतवासियों को क्या किया? आधीन बनाया है, दास दासी बना के रखा या नहीं बनाया? अंग्रेजों ने तो पूरा ही नौकर बना दिया। मेंटलिटी ऐसी बन गई कि वो पाश्चात्य शिक्षा पढ़ करके क्या बनना है? नौकर बनना है, सर्विस करना है। कैसी सर्विस? बड़े 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 अधिकारी बन जाओ, वो किसी के अंडर में काम करते हैं या राजाओं की तरह स्वाधीन होते हैं? हैं? अंडर में रह करके काम करते हैं, और अच्छे ही काम करते हैं कि बुरे भी काम करते हैं? हैं? वो कितना भी चाहे हम जीवन में अच्छा कार्य करेंगे तो भी ऊपर का जो डंडा पड़ता है उस डंडे के आधार पर उनको गंदे काम, गंदे से गंदे काम करने पड़ते हैं। इसलिए दुनिया की सारी प्रजातंत्र गवर्नमेंट्स जो हैं, वो सब बाबा ने फेल कर दी। भगवान बाप का कहना है प्रजा के ऊपर, प्रजा का राज्य है बेकायदे राज्य। राजाओं का राज्य दुनिया में लंबे समय तक चला है, ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य तो अभी 100-200 वर्षों के अंदर सारी दुनिया में चला। तो देखो भगवान आकर के प्रजा योग नहीं सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। उस राजयोग के आधार पर बड़े से बड़ा योगी अपने जो चित्र हैं, उन चित्रों में कौन सा चित्र है जिसको सदैव ज्यादातर योगी के रूप में बैठा हुआ दिखाया जाता है? हैं? शंकर को दिखाया जाता है। वो निराकारी स्टेज है जो चेहरे से ढकती है, अव्यक्त स्टेज। वो अव्यक्त स्टेज धर्म पिताओं की भी होती है एक जन्म में। जब परम धाम से वो आत्माएं डायरेक्ट उतरती हैं, तो पहले जन्म में वो क्राइस्ट की तरह निराकारी चेहरा दिखाई पड़ता है, ध्यान से देखना। महात्मा बुद्ध की तरह निराकारी चेहरा दिखाई पड़ता है, गुरु नानक की तरह निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है,
लेकिन वो तो धर्म पिताएं हैं, बाप हैं अपने अपने धर्मों की। उन बापों का भी कोई बाप है जो वो धर्म पिताएं भी मानते हैं। गुरु नानक सदैव ऊपर की ओर इशारा करते थे। क्रिश्चियंस में भी मानते हैं कि क्राइस्ट भगवान का बच्चा था। अब बताओ, सिर्फ क्राइस्ट ही भगवान का बच्चा था और सब भतीजे हैं क्या? ऐसे तो नहीं हो सकता। भगवान के तो नंबर वार सभी बच्चे हैं। हाँ, उन बच्चों में जो काम दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा नहीं कर सका, वो काम करने में भगवान का जो सहयोगी बच्चा बनता है वो कहा जाता है महादेव शंकर, जो स्थापना के कार्य में भी सहयोग देता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना गाई हुई है ना, उस ब्रह्मा के द्वारा तो स्थापना नहीं हुई। दादा लेखराज ब्रह्मा द्वारा राज्य की स्थापना हुई, राजधानी की स्थापना हुई नहीं हुई? तो जरूर कोई ब्रह्मा है जिस ब्रह्मा के द्वारा राजधानी तैयार होती है। 108 बड़े बड़े पदाधीश होते हैं उस विश्व की महाराजाई में, जो सारे संसार को कंट्रोल करते हैं। तो वो राजधानी की स्थापना में भी सहयोगी है बुद्ध योग के द्वारा। और शरीर की कर्मेंद्रियों के जो द्वारा जो पार्ट बजाता है उसमें आत्माओं को आकर्षित करने का भी पार्ट बजाता है। आकर्षित करने वाले का नाम कृष्ण रखा हुआ है, कृष्ण अर्थात आकर्षित करने वाला। उन्होंने 16 कला संपूर्ण कृष्ण का नाम दे दिया। वास्तव में ये कृष्ण जो नाम है वो शंकर का ही एक नाम है, जो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को खींचता है बुद्धियों के आधार, दृष्टि के द्वारा खींचता है। हम बच्चों के लिए भी कहता है, तुम बच्चों को अंत में बाप नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे, ऐसी तीखी दृष्टि देंगे जो तुम बच्चे ठहर नहीं सकेंगे। तो बच्चों को तो दृष्टि के स्नेह के आधार पर खींचेंगे, क्योंकि बच्चों ने बाप की बातों को माना, समझा और चले, नंबर बात। परंतु जो नहीं चलते हैं, चाहे वो ब्रह्मा के हों, चाहे इब्राहिम के हों, चाहे क्राइस्ट के हों, चाहे गुरु नानक के बच्चे हों, कोई भी धर्म पिता के हों, जिन्होंने पूरी नॉलेज को, ईश्वरीय नॉलेज को ग्रास्प नहीं किया, महत्व नहीं दिया, वो आत्माएं कमजोर रहने के कारण वो राजधानी की सहयोग में, राजधानी की स्थापना में सहयोगी नहीं बन पाती। जो ईश्वरीय राजधानी है, नई दुनिया की राजधानी में स्थापन करने में भी एक ही आगे जाता है, और पुरानी दुनिया के जो धर्म हैं और जो राज्य हैं, उन राज्यों की रोज राजधानियां हैं, उन सब राजधानियों का विनाश करने में भी वो आत्मा अगुआ होकर के जाती है। इसलिए विनाश शंकर के लिए गाया हुआ है, शंकर द्वारा विनाश। ये बहुत बड़ा काम है, जो कार्य दुनिया का कोई धर्म पिता, कोई महात्मा नहीं कर सका। ओम शांति। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है क्योंकि दाढ़ी मूछ वाला है,
दाढ़ी पूछ विकारी मनुष्यों को होती है या निर्विकारियों की होती है? विकारियों को दाढ़ी पूछ होती है। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, इसलिए ब्रह्मा के मंदिर नहीं होते हैं भारतवर्ष में, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती हैं, और ब्रह्मा को आज कोई याद भी नहीं करता है। हाँ, ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कोई ऐसी माता में प्रवेश करती है जो सारे जगत की अंबा साबित हो जाती है। एक दिन उस जगदम्बा को सिख लोग मानते हैं कि वो सारे जगत पर राज्य करने वाली बनेगी। कहते भी हैं राज करेगा खालसा, खालसा ही राज्य करेगा। वो खालसा कैसे वस्त्र पहनते हैं? सफेद या विषैले रंग, नीला, हरा, काला? तो देखो, ब्रह्मा वाली आत्मा ही कोई स्त्री चोले में प्रवेश करके जगदम्बा का पार्ट बजाती है। वो जगदम्बा आरंभ में सतोप्रधान और अंत में तामसी बन जाती। दुनिया की हर चीज पहले सत्व प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान। सारी सृष्टि भी पहले सत्व प्रधान सतयुग, द्वापर में रजो प्रधान, द्वैतवादी द्वापर। द्वैतवादी क्यों? देवताएं अद्वैत क्यों कहे जाते हैं? अद्वैत इसलिए कहे जाते हैं कि देवताओं का राजा भी एक ही होता है, देवताओं का राज्य भी दुनिया में एक ही होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं होता। भाषा भी एक ही होती है, कुल भी एक ही होता है, मत भी एक ही होता है। इसलिए उन देवताओं को अद्वैत कहा जाता है। और द्वापर युग से ये जो मनुष्य गुरु आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, ये द्वैतवाद फैलाते हैं। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, इसके आधार पर दुनिया में झगड़े शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे ये द्वैतवाद बढ़ता जाता है, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, अनेक धर्म हो जाते हैं दुनिया में, अनेक राज्य हो जाते हैं, अनेक देश हो जाते हैं, अनेक कंट्रोलर राजाएं हो जाते हैं, तो जरूर आपस में झगड़ा हो, कलयुग बन जाता है। कलयुग में सब दुखी हो जाते हैं। तो वो दुनिया की पैदाइश करने वाली वही जगदम्बा जब महाकाली बनती है, काले कर्म करती है, तो उसको काला चेहरा दिखाया जाता है। उस काले चेहरे में मस्तक के ऊपर वही ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा दिखाया जाता है। कौन? जो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा था वो ब्रह्मा, दाढ़ी मूछ वाला उसमें प्रवेश करके तामसी रूप ऐसा धारण करता है, क्योंकि ये नियम है, जो स्थापना करता है वो विनाश भी करता है। वो ब्रह्मा ने दुनिया की बड़े से बड़ी माता बन करके, माताओं का जो मुख्य स्वभाव होता है सहन शक्ति, वो सहन शक्ति का भाव धारण करके सृष्टि की उत्पत्ति की। उस सृष्टि में सूर्यवंशी आत्माएं भी आती हैं, चंद्रवंशी आत्माएं भी आती हैं, इस्लाम वंशी आत्माएं भी, जो हिंदू बनने के बाद दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई थी वो भी आती हैं, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुई आत्माएं भी आती हैं, और क्रिश्चियन आदि धर्मों में भी कन्वर्ट हुई आत्माएं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं निकल करके
फिर भगवान के द्वारा स्थापन किए जा रहे ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए आज भी ब्राह्मण देवताओं की पूजा होती है, ब्राह्मण देवताओं को घर में बुला करके खिलाते हैं। वास्तव में वो तो एक रीत रस्म रिवाज है, वो कोई सच्चे ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मा के पुत्रों को ही ब्राह्मण कहा जाता है। एक मात्रा पड़ जाती है फॉलोअर्स के अर्थ में, पुत्रों के अर्थ में। जैसे शिव के फॉलोअर शैव, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, एक मात्रा बढ़ती है फॉलोअर्स के अर्थ में। तो ब्रह्मा को जिन्होंने फॉलो किया, किसी ने कम फॉलो किया, किसी ने ज्यादा फॉलो किया। जिन्होंने ब्रह्मा मुख से निकली हुई वेदवाणी को पूरा ग्रहण किया वो सूर्यवंशी बने, और जिन्होंने अधूरा ग्रहण किया वो उनकी एक निशानी बताई है कि वो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई एक बात को मानेंगे और दूसरी बात को नहीं मानेंगे। जब मानेंगे ही नहीं तो पूरा पूरा गहराई से जानेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं, और उस बात पर चलेंगे भी नहीं। इसलिए भगवान आकर के ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के मुख से जब वेदवाणी चलाते हैं तो उस वेदवाणी के वो फॉलो करने वालों के संसार में तीन ग्रुप बन जाते हैं। ये द्वापर के अंत की बात नहीं है, ये कलयुग के अंत की बात है। जब सतयुग शुरू होना होता है, जब एटमिक एनर्जी विस्फोट होने वाली होती है, उससे पहले की बात है। जो पूरा पूरा भगवान की वाणी को, ब्रह्मा की वाणी को, वेद वाणी को ग्रहण करते हैं, मानते हैं, चलते हैं, वो पांडव कहे जाते हैं। इसके बच्चे पंडा के बच्चे। आज भी उस पंडे की यादगार में तीर्थ स्थानों में पंडे बैठे हुए मिलेंगे, वो रास्ता बताते हैं। मंदिर में पूजा करने का रास्ता बतावेंगे, मंदिर तक ले जाने का रास्ता बतावेंगे, तीर्थ यात्रा करावेंगे। वास्तव में ये तो यादगार मात्र है, असली पंडा कौन है जो सारे संसार को पंडित है। पंडयते अर्थात रास्ता बताने वाला है, सारे संसार को सच्चा रास्ता बताने वाला, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला एक ही पंडा बाप है, जिसे महाभारत में पांडु के रूप में दिखाया गया है। उस पांडु के जो पुत्र हुए, पांडु को जो फॉलो करने वाले बच्चे हुए, उनको क्या कहा गया? पांडव। एकमात्र बढ़ गई तो पांडवों की ये पहचान है क्या कि भगवान जिस तन में आकर के माता का पाठ बजाता है, जो गायन है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरी माता हो। माता का काम होता है बच्चों को जन्म देना, तो ब्रह्मा माता का काम है नौकुरी के ब्राह्मणों को नंबरवार जन्म देती है। ब्राह्मण भी नौकुरी के होते हैं, दुनिया में धर्म भी नौकुरी के हैं, सूर्यवंश चंद्रवंश इस्लाम बौद्ध क्रिश्चियन आदि। ये ब्राह्मण ही जो पूरा ज्ञान नहीं उठाते हैं, वो द्वापर युग से हिंदू बनकर के दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो जो दूसरे धर्मों में जन्म जन्मांतर कन्वर्ट होकर के रहे,
हिंदुओं ने तो कभी उनको स्वीकार नहीं किया, इसलिए हिंदुओं की जनसंख्या कम होती गई और दूसरे धर्म वालों की जनसंख्या दुनिया में बढ़ती गई। वो ही आत्माएं जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो उन श्रेष्ठ आत्माओं को इकट्ठा करते हैं भारत में, और वो ब्रह्मा के पुत्र बनती हैं। नंबर वार 9 कुरियों के ब्राह्मण, उनमें जो अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण हैं, जिनके लिए मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर माना पहले नंबर दीन माने धर्म की स्थापना की। मुसलमानों में भी ये मान्यता है। तो वो कहे जाते हैं पांडव, जो भगवान बाप के वाक्यों को मानते भी हैं, जानने का भी प्रयत्न पूरा करते हैं, समझते भी हैं और दूसरों को समझाते भी हैं, और साथ साथ अपने जीवन में प्रैक्टिकल जीवन में धारण भी करते हैं। वो भी नंबर वार 5 प्रकार के ब्राह्मण हैं। 5 पांडव कहे जाते हैं। कौन कौन? युद्धेष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाले। वो युद्ध नहीं जो शास्त्रों में दिखा दिया हिंसक युद्ध भगवान ने कराया, नहीं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का युद्ध है, ये झूठे और सच्चे का युद्ध है, ये अधर्मियों और धर्मावलंबियों का युद्ध है। जो सच्चे धर्म पर चलते हैं उनके लिए गीता में कहा है स्वधर्मे निधनम से यह परधर्मो भयावह। तो देखो भगवान आकर के जिस धर्म की स्थापना करते हैं और उस सनातन धर्म को जो फॉलो करते हैं वो अपने धर्म के ऊपर मर मिटते हैं, परंतु दूसरे का धर्म स्वीकार नहीं करते। और जो कच्चे हैं और कुरियों के ब्राह्मण हैं, नीची कुरियों के ब्राह्मण, जो पहले भी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो चुके थे, वो अभी भी ब्राह्मण बनते हैं, अधूरा ज्ञान उठाते हैं, भगवान बाप के निराकार और साकार रूप को नहीं पहचान पाते। जो तुलसीदास ने भी कह दिया सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव केदा। सगुण माने साकार, अगुण माने निराकार। ये निराकार है वो ही सृष्टि पर आकर के साकार बनता है, और जिस साकार मनुष्य तन में प्रवेश करता है, जो पहले पहले अपने को देह समझता था तो साकार था, फिर भगवान आकर के जो गीता का राजयोग सिखाते हैं वो राजयोग सीख करके भगवान के समान स्टेज धारण करेगा, भगवान को याद करेगा तो भगवान जैसा बनेगा या दूसरा बनेगा? चोरों को याद करेगा तो चोर बनेगा, भगवान को पक्का पक्का याद करेगा तो क्या बनेगा? हैं? भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। भगवान त्रिकालदर्शी है। मनुष्य आत्मा जो याद में रहती है और याद में रह करके नर से नारायण जैसा बनने वाली है, वो त्रिकालदर्शी सदाकाल नहीं हो सकती। हाँ, थोड़े समय के लिए नंबरवार रूप में कहेंगे कि वो बाप समान बनती है, जैसे बाप शिव निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, ऐसे बन सकती है।
तो निराकारी कैसे बनती है? जैसे और धर्म पिताएं हैं, इस सृष्टि पर आते हैं, पिता माने बीज, बाप, पिता माने क्या? पिता माने बीज, बाप, अपने धर्म के जो बीज हैं, उनकी निशानी क्या दिखाई देती है? उनके चित्रों को ध्यान से देखो, महात्मा बुद्ध के चित्र को ध्यान से देखो, उनकी आंखों को देखो। निराकारी आत्मिक स्टेज झलकती है या देहभान झलकता है? है? निराकारी स्टेज झलकती है, निराकारी स्टेज है तो आत्मा की याद में रहेगी या देह की इंद्रियों की याद में रहेगी? आत्मा की याद में रहेगी तो आत्मिक सुख में मग्न रहेगी या देह की इंद्रियों का सुख लेगी? है? आत्मिक सुख लेगी। जो गोपियों का सुख गाया हुआ है, 16,000 जो परिवार है, भगवान का बनाया हुआ परिवार, राज परिवार जन्म जन्मांतर का, वो 16,000 गोपियां कौन सा सुख भोगती हैं? है? अतीन्द्रिय सुख भोगती हैं। जब अपने पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज को पहुंचती हैं, तो देह को भूल जाती हैं और आत्मिक सुख में रहती हैं। इसलिए वो निराकारी स्टेज में आत्मा का सुख भोगने के कारण वो लंबे समय का सुख हो जाता है, अल्पकाल का, इंद्रियों का क्षणभंगुर सुख नहीं होता है। जिसके पीछे आज दुनिया पागल बनी पड़ी है, वो देवात्माओं का सदा काल का सुख है। तो देखो, भगवान आते हैं तो आप समान बनाते हैं, निराकारी बनाते हैं, महात्मा बुद्ध की तरह निराकारी स्टेज, क्राइस्ट की तरह निराकारी स्टेज, गुरु नानक की तरह निराकारी स्टेज आंखों से, चेहरे से झलकती है। और वो झलक ही भगवान बाप को संसार में प्रत्यक्ष कर देती है, उसे अव्यक्त स्टेज कहा जाता है। उस अव्यक्त स्टेज की यादगार मंदिरों में शिवलिंग रखा हुआ है। मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर है हिस्ट्री में, सोमनाथ मंदिर है। उस सोमनाथ मंदिर में वो यादगार बनाई गई थी। लाल पत्थर का लिंग था और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था। वो लाल पत्थर साकार स्वरूप की यादगार, जो ज्ञान का भंडार बनता है, और उसमें हीरा किसकी यादगार? भगवान शिव की यादगार। तो देखो, इस बात को दुनिया आज भूली हुई है कि वो निराकार भगवान ज्योतिबिंदु इस मनुष्य सृष्टि के किसी साकार तन में प्रवेश करता है। जो साकार तन धारी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, और वो हीरो पार्टधारी राम वाली आत्मा है। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। कृष्ण की भारत में बच्चे के रूप में पूजा होती है, बड़े के रूप में पूजा नहीं होती है। इससे साबित होता है कि जो इस सृष्टि का पहला पत्ता है, बच्चा बुद्धि है, मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता, वो बच्चा बुद्धि आत्मा ब्रह्मा के रूप में कलयुग के अंत में इस सृष्टि पर गीता ज्ञान सुनाती है। गीता ज्ञान है, लेकिन उसे गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। माना
अमृत पी करके देवताएं अमर बनते हैं, देवता बनते हैं। और अमृत कैसे निकलता है? शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है कि सागर मंथन हुआ तो अमृत निकला, सार निकला। तो भगवान ब्रह्मा के मुख से जो वेदवाणी चलाते हैं वो ज्ञान तो है, परंतु ज्ञान अमृत नहीं है। क्या वो अमृत नहीं है जिसे सुन करके, जिसे पी करके मनुष्य अमर देवता बनते हैं? वो अमर देवता बनाने वाला भगवान शिव बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप भी है। जिस मनुष्य सृष्टि के बाप में आत्माओं ज्योति बिंदु का बाप शिव प्रवेश करते हैं, तो वो बाप है, वो जगदम्बा माता है, वो जगत पिता है। जो गाया हुआ है जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, ये दो ही आत्माएं हैं जो इस मनुष्य सृष्टि की हीरो हीरोइन है, राम और कृष्ण। ओम शांति।